जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में DHQ टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला में जॉब्स आई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ सूटेबल कैंडिडेट हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट मैंशनड हेयर अंडर एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड इन द पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सर्विसज रूल 2012 एज अमेंडेड, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट टीचिंग पोस्ट सर्विस रूल 2003, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट पैरामेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल एंड पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट मिसलिनियस पोस्ट सर्विस रूल्स। ठीक है ठीक है, ये कुछ रूल के मुताबिक जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक जो है अपना जॉब्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पर वो स्टेनोग्राफर है। ठीक है, मैं माशाल्लाह खुद पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो भाई जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। स्टेनोग्राफर की जो अपना बेसिक पे स्केल जो 15 है, एडवर्टाइज नंबर वो पोस्ट एक है। एज लिमिट जो है 20 से 25 साल है। एफ रिक्वायर इंटरमीडिएट फॉर रिकग्नाइज बोर्ड प्लस एम एस ऑफिस शॉर्ट एंड 70 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 35। जो माशाल्लाह अच्छी स्ट्रगल करते हैं, जो जिन्होंने अच्छी की हुई शॉर्ट उनके लिए 70 स्पीड कुछ नहीं है और 35 भी कुछ नहीं है। उसके बाद जो है अपना जूनियर टेक्नीशियन है कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी है। 9 स्केल है, 2 अपना पोस्टें हैं, 18 से 25 साल है। एजुकेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ वीडियो को क्योंकि ज़्यादा सारा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। जूनियर टेक्नीशियन है पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 9 स्केल है, 2 सीटें हैं। जूनियर टेक्नीशियन MCH टेक्नोलॉजी 9 स्केल 1 सीट है। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन 9 स्केल 1 सीट है। जूनियर टेक्नीशियन ये सीट का नाम वही है लेकिन वो फील्ड है जो ना डिपार्टमेंट की ओर आ रही है, वो आप देख लीजिएगा। अल्मोनर जो है अपना 9 स्केल है, उसके बाद 1 सीट है, 18 से 25 एज है। टोटल सीटें 9 है। टर्म्स एंड कंडीशंस वो काफ़ी सारी हैं, मेन देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें सिंपल लिखा है बोथ एंड फीमेल एप्लीकेशन हैविंग डोमिसाइल प्रिंस ऑफ द पंजाब कैन अप्लाई। आप पूरे पंजाब में जो मेल एंड फीमेल जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब में, ठीक है। अपॉइंटमेंट शैल मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर 2004 की जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है 3 साल का पीरियड होगा, ठीक है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एक्सटेंड एबल सब्जेक्ट टू गुड गवर्न परफॉर्मेंस, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन लॉन्ग विद टेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाइक मैट्रिक FSC डिग्री डिप्लोमा कॉपी ऑफ डिप्लोमा सॉरी डोमिसाइल वैलिड CNIC वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये आपने एंड 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मस्ट बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला, ठीक है। आपने MS के नाम जो है एप्लीकेशन भेजनी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवा के 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें भी साथ हों, वो आपने MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है DHQ ब्लू टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला के नाम जो है वो फॉरवर्ड करनी है। इन केस ऑफ ओ लेवल एंड ए लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट बी प्रेजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये सिंपल बात है, या पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन लिमिट एज पर गवर्नमेंट पंजाब नोटिफिकेशन दैट इज 8 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड 5 ईयर्स फॉर मेल कैंडिडेट शैल बी ग्रांटेड, ठीक है। रिक्रूटमेंट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली और मैरिड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज एंड इंस्ट्रक्शन इश्यूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई ए प्रॉपर चैनल, ये सिंपल सी बात है, आपने NOC लेकर अप्लाई करना है परमिशन के साथ, विदाउट परमिशन नहीं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एज वेल एज एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड इन एनी केस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मेन बुलेट्स है वो अपना सीरियल नंबर 13 पे है। एप्लीकेशंस एड्रेस्ड टू द अंडरसाइंड शैल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग ऑफिस और इन द ऑफिस ऑफ MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसे आप कहते हैं DH के वो टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला टिल 25, ठीक है। डेट है 1 जनवरी 2023, 25/1/2023 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसीव होने वाली एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। 25 लास्ट डेट है। इवेल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डन एज पर सेक्शन क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट है, भैया उनके अपॉइंटमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है वैल्यूएशन हुई सिलेक्शन की जाएगी।
ये अपने सारा पढ़ लेना। इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शैल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड गुजरांवाला ऑन 6/2/2023 एट द सेम। माशाल्लाह उन्होंने इंटरव्यू की डेट जो है वो भी दे दी है 6/2/2023 10 बजे सुबह MSDHQ टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला में, उधर ही होंगे ठीक है 6/2/2023 ठीक है। नो सेपरेट इंटरव्यू या कॉल लेटर शैल बी इशूड, उन्होंने कहा कोई लेटर शूटर कोई नहीं दिया जाएगा, अपना कॉल भी नहीं की जाएगी, आपको डेट बता दी है 6 उसके मुताबिक आपने जो है अपने 10 बजे जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा वो आ जाएँ ठीक है। जिनके नाम अपने एप्लीकेशन भेजनी है वो डॉक्टर सहेल अंजम भट्ट साहब हैं ठीक है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, जो अपना बेरोज़गार है उनको ज़रूर भेजा करें ताकि वो भी भाई आपके साथ अप्लाई करें। तो जी आगे किस्मत अपना की बात होती है, बाकी कोशिश हर कोई करता है। तो उम्मीद है कि आप इसको काम को करेंगे और जो भाई जिसके मुताबिक कोई सीट है वो ज़रूर अप्लाई करें, जो स्टेनोग्राफर में माहिर है, जो इन फील्ड में माहिर है, जो पोस्ट आई हैं तो अप्लाई करें, इंशाल्लाह करम करेगा। तो इसी के साथ व्यूवर्स मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।